तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर स्वागत है एक हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि अगर आपका भी फेसबुक पर पेज बना हुआ है और उसमें आपके लिए आपके फॉलो का बटन नहीं आ रहा है, तो आप उसमें फॉलो का बटन कैसे ला सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपके फेसबुक पेज पर दोस्तों फॉलो का बटन नहीं शो हो रहा है, तो आप उसे कैसे शो कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए भी बने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों मेरी प्रोफाइल। तो अगर आपने इसको भी फॉलो नहीं किया दोस्तों, आप इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। आकाश कुमार गंगवार नाम से आपके लिए फॉलो है दोस्तों, प्रोफाइल जो देखने को मिलेगी, तो इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने पेज पे जो फॉलो का बटन है वो आपके लिए शो नहीं हो रहा है, तो आप उसे कैसे शो कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने जो पेज है फेसबुक का वो ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इंटरफेस देखने के बाद अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ से अपने लाइन पे जाना है। इस पे जाने के बाद आप लिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। इस प्रकार से इंटरफेस मिलने के बाद आपके लिए अपने लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके लिए करना है, यहाँ से थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है आपके लिए। तो थ्री लाइन पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके फॉलो का बटन नहीं शो हो रहा है। तो आपके लिए थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए जो ऑप्शन मिलेंगे एडिट का ऑप्शन, आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपने प्रोफाइल के लिए एडिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ मिलेगा सेकेंड ऑप्शन, एडिट एक्शन बटन। तो आपके लिए एडिट एक्शन बटन पर ही क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट एक्शन बटन क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर एक दोस्तों लिख के आ जाएगा, आपके व्हाट्सअप वगैरह या मैसेंजर वगैरह, आप जो भी आपको सेलेक्ट किया होगा वो सिलेक्ट किया हुआ आ जाएगा। तो आपके लिए करना है यहाँ से उसके लिए रिमूव कर देना है। जैसे मैंने यहाँ से मैसेज हो गया, तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आपके लिए दोस्तों यहाँ से मैसेज का जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से शो होगा। तो आपने इस प्रकार से होने के बाद आपके लिए इसको रिमूव करना है। ऐसे रिमूव करेंगे इस प्रकार से, तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर रिमूव होने के बाद दोस्तों आपका कोई भी, आपका जो भी सिलेक्ट किया हो, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, पहली बात यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे बटन हैं, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते, इसे आप बस वीडियो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी वीडियो दिखाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट के दोस्तों लिंक वगैरह डाल सकते हैं वेबसाइट का। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं एक्शन बटन पर, वो लगा सकते हैं। वरना था दोस्तों, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद अब दोस्तों आप देखेंगे जाए कुछ समय बाद आपका फॉलो जो बटन है वो आपका शो होने लगेगा। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपके लिए मिलेगा एक दोस्तों कॉपी लिंक। आप अपने पेज का कॉपी लिंक करेंगे, आपके लिए क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे। तो मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ से सर्च करने के बाद आप लोग इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आपका फॉलो करने का बटन ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल में दोस्तों, इस तरह से आप अपने फेसबुक पेज में फॉलो बटन ला सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो आप ये तरीका कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।